हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आई रोडों की प्रॉब्लम 3.11 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन सुने पहले। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर कैपिटल एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग विद वन ऑफ इट्स एंड कंसीडिंग विद द सेंटर ऑफ द रिंग। The total charge of the ring is equal to Q and the charge of the thread per unit length is equal to lambda. It means lambda is linear charge density of the thread. So calculate the interaction force between ring and the thread. आपको ring और thread के बीच में interaction force calculate करना है। तो क्या है, अगर diagram से समझे तो ये एक ring है। इस ring में ये wire से बनी हुई ring है जिसमें Q charge डिस्ट्रीब्यूट है और ये गिवन है कि ये क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्यू चार्ज इस रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस आर गिवन है। इस रिंग के एक्सिस पे एक थ्रेड प्लेस है जिसका एक टर्मिनल इस चार्ज्ड थ्रेड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड का एक टर्मिनल रिंग के सेंटर पे है और दूसरा टर्मिनल इंफिनिटी पे है। यानी ये जो चार्ज्ड वायर है, ये जो चार्ज थ्रेड है, इसको रिंग के सेंटर से इंफिनिटी तक प्लेस किया गया है एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग का रेडियस आर है, इस पर क्यू चार्ज है और इस थ्रेड पे लैम्डा डेंसिटी का चार्ज है। इसका मतलब इस थ्रेड के पर मीटर इस पर चार्ज लैम्डा कूलाम पर मीटर है। हमें इस रिंग और इस थ्रेड के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आर्टिकल डिराइव किया था हमने इससे पहले, एक वीडियो क्लिप हमने बनाई है। उस आर्टिकल पे हमने पढ़ा है कि अगर कोई वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है, सेमी इनफाइनाइट कहने से मेरा मतलब यह है कि उसका एक टर्मिनल फाइनाइट पोजीशन पे है और दूसरा टर्मिनल इंफिनिटी पे है, तो ऐसे किसी वायर के कारण उस वायर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलरली एक कॉर्नर जो फाइनाइट है उससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के लैम्डा बाय आर अलोंग द डिस्टेंस होता है और के लैम्डा बाय आर पैरेलल टू वायर होता है। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यहां पर हम यूज करेंगे। एक बार फिर रिजल्ट को समझें कि अगर ये एक इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट कह सकते हैं, अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसका एक टर्मिनल फाइनाइट है और दूसरा इंफिनिटी पे है, तो इस फाइनाइट टर्मिनल के परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वायर डेवलप करता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है और एक वाई एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वायर इस तरफ है तो वाई कंपोनेंट अपोजिट टू द ओरिएंटेशन ऑफ वायर होगा। अब अगर ये कंपोनेंट के लैम्डा वाई आर है और ये के लैम्डा वाई आर है, यहां पर जो लैम्डा इस्तेमाल हो रहा है ये इस वायर की चार्ज डेंसिटी है और ये डिस्टेंस आर है। सो अगर हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को इस केस में यूज करें, क्योंकि सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां एक इनफाइनाइट वायर है जिसका एक टर्मिनल रिंग के सेंटर पे है और दूसरा इंफिनिटी पे, और इसमें लैम्डा डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो इस वायर के कारण अगर हम रिंग के किसी एक एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहे तो पहले हमें उस एलिमेंट पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहिए। देन ये हमें पता है कि फील्ड कैलकुलेट अगर हो गया तो उस एलिमेंट के चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम उसे फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से, जैसा ये प्रॉब्लम 2D प्लेन पे बनाया जा रहा है लेकिन 3D बेस्ड है, तो अगर इस प्रॉब्लम को मैं रिंग को इस तरीके से ओरिएंटेड करके बनाऊं कि रिंग इस बोर्ड के 2D प्लेन में शो की जा सके, तो हम इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना पाएंगे जैसा मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये रिंग है मान लीजिए जिसका रेडियस आर है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है। हम मान लेते हैं कि इस रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट है जिस पर टोटल चार्ज डी क्यू है। अब जो वायर दिया हुआ है वो इस रिंग के एक्सिस पर कुछ इस तरीके से प्लेस है, इसका एक टर्मिनल रिंग के सेंटर पे है और दूसरा टर्मिनल इंफिनिटी पे है, तो ये जो वायर इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, ये जो वायर इस रिंग के सेंटर से इंफिनिटी तक प्लेस है, ये इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली सिमिलराइजेशन दे रहा है। ये वायर का यहां पर होना इस सेमी इनफाइनाइट वायर का और इस सेमी इनफाइनाइट वायर का यहां पर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर
अपने फाइनाइट पॉइंट से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो हम जानते हैं के लैम्डा बाय आर इस डिस्टेंस के डायरेक्शन में, और के लैम्डा बाय आर वायर के पैरेलल होता है। तो ठीक यही फॉर्मूला अगर हम इस इनफाइनाइट वायर के लिए इंप्लीमेंट करें तो इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस डीक्यू वाली पोजीशन पर जो फील्ड डेवलप करेगा ये वायर उसका एक कंपोनेंट इस डिस्टेंस आर के अलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाय आर होगा, जबकि इसका दूसरा कंपोनेंट ध्यान दें जबकि इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पे प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट इस वायर के पैरेलल माने इस पॉइंट पर बोर्ड में अंदर की ओर होगा। तो अंदर की ओर शो करने के लिए मैं इस पॉइंट पर एक क्रॉस नोटेशन बना देता हूं और ये आप जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाय आर ही होगा, यानी कि इस कंप्लीट वायर के कारण जो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है इस डीक्यू चार्ज की पोजीशन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर अलोंग दिस डायरेक्शन एंड के लैम्डा बाय आर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। इसी प्रकार इस वायर ये सर्कुलर रिंग जो बनी हुई है इसके किसी भी एलिमेंट पर फोर्स को इस वायर के कारण कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर से देखिए अब जैसे इस कंपोनेंट पे अगर मैं बात करूं तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर इस डीक्यू के लिए एक कंपोनेंट डेवलप करेगा इस तरीके से जिसका मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाय आर होगा, और एक दूसरा जो फील्ड इस पॉइंट पर यह डेवलप करेगा वायर वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी के लैम्डा बाय आर होगा। ये फॉर्मूला अगर आप समझ रहे हैं तो मैं इसी को बार बार इंप्लीमेंट कर रहा हूं और आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके का फील्ड पिक्चर मैं पूरे सर्कमफ्रेंस पे दिखा सकता हूं, यानी इस इनफाइनाइट वायर ने सभी एलिमेंट्स के लिए सभी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स के लिए एक फील्ड डेवलप किया है आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में जो कि के लैम्डा बाय आर है, और एक दूसरा फील्ड कंपोनेंट डेवलप किया है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस रिंग के हर एलिमेंट को एक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है और ये हर एलिमेंट को मिल रहा है, इसीलिए ये बात क्लियर समझ में आ जाती है कि इस प्रकार के सारे के लैम्डा बाय आर मिलकर के इस पूरी रिंग को जो नेट फोर्स देंगे, कैसे फोर्स कैलकुलेट होगा एक बार समझें कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे दिखा रहा हो अगर इस फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट किया जाए, जैसे मान लीजिए आप इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर ने इस पॉइंट पे एक के लैम्डा वायर ऐसे डेवलप किया है एक के लैम्डा वायर अंदर को, तो इन दोनों फील्ड्स के कारण इस पॉइंट पर जो डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है उसको एक फोर्स मिलेगा इतना इंटू डीक्यू इस डायरेक्शन में और इतना ही इंटू डीक्यू मिलेगा इंटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। सिमिलरली इस पार्टिकल डीक्यू को एक डीक्यू इंटू के लैम्डा बाय आर फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में और एक डीक्यू इंटू के लैम्डा बाय आर इनवर्ट डायरेक्शन में, और इसी प्रकार से ये सेमी इनफाइनाइट वायर हर एलिमेंट पर फोर्स डेवलप करेगा, यानी इस एलिमेंट पर डीक्यू इंटू के लैम्डा बाय आर आउटवर्ड रेडियल और डीक्यू इंटू के लैम्डा बाय आर इंटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अगर इस पूरी रिंग के हर एलिमेंट पर लगने वाले इन सभी फोर्सेस का नेट रिजल्ट कैलकुलेट किया जाए तो हम क्या देख पाते हैं, देखिए कि ये जितने भी dq into k lambda by r आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्री से हर एलिमेंट पर फैले हुए हैं तो हर फोर्स के एंटी डायरेक्शन में एक फोर्स परफॉर्म करेगा और इस रिंग के प्लेन पर लगने वाले इन सभी फोर्सेस का जितने भी dq into k lambda by r है इन सभी का नेट रिजल्टेंट फोर्स इस रिंग के प्लेन पर जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं उस दूसरे फील्ड की जो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड था और जिसके कारण हर एलिमेंट को फोर्स मिल रहा था dq इनटू k लैम्डा बाय आर। यहां पर ध्यान रहे कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर अपने से r डिस्टेंस में किसी पॉइंट पर जो दो फील्ड कंपोनेंट डेवलप करता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड k लैम्डा बाय आर होता है, ये बाय रिजल्ट कह रहा हूं। So, इस रिंग के प्लेन पर सभी फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और जो के लैम्डा बाय आर इस एलिमेंट पे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड डेवलप होगा वो के लैम्डा बाय आर फील्ड इस एलिमेंट को फोर्स देगा dq इनटू के लैम्डा बाय आर, और ऐसा ही फोर्स इस रिंग के हर एलिमेंट को इनवर्ट डायरेक्शन में मिलेगा। सो इस रिंग को जो कंप्लीट फोर्स मिलेगा, अगर एक फोर्स को मैं यहां पर df बोलूं
तो उसका मैग्नीट्यूड है के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू के कैप। मान लेते हैं कि मैंने बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन को के कैप वेक्टर कंसीडर किया है, तो इनवर्ट डायरेक्शन को के कैप वेक्टर कंसीडर करने पर डीएफ का वैल्यू इतना आ जाएगा एक एलिमेंट में इनवर्ट डायरेक्शन में। तो पूरी रिंग को जो नेट फोर्स मिलेगा उसे समेशन से निकाला जा सकता है, क्योंकि सभी फोर्सेस इनवर्ट है तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो नेट फोर्स जो इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर एंड सिग्मा डी क्यू के कैप। और हम जानते हैं कि डी क्यू का नेट रिजल्टेंट क्यू होगा, क्योंकि रिंग में कंप्लीट चार्ज क्यू अवेलेबल है। सो जो नेट फोर्स लगेगा इस कंप्लीट रिंग इस इनफाइनाइट वायर के कारण वो हो जाएगा के लैम्डा क्यू अपॉन आर। सो यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक स्पेशल रिजल्ट यूज किया है जिसके अनुसार एक सेमी इनफाइनाइट वायर अपने फाइनाइट टर्मिनल से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, यह मानते हुए कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो होता है के लैम्डा बाय आर अवे फ्रॉम द सेमी इनफाइनाइट वायर एंड के लैम्डा बाय आर पैरेलल टू द सेमी इनफाइनाइट वायर। ये रिजल्ट अपने पिछले आर्टिकल्स में जो हम थ्योरी वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इस पर। सो एक के लैम्डा वायर डेवलप होगा इस डायरेक्शन में और एक के लैम्डा वायर इस डायरेक्शन में। इस रिजल्ट को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि ये क्लियर दिखाई दे आप लोगों को। ये सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका एक टर्मिनल इनफाइनाइट है सामने, तो आर डिस्टेंस पे एक फील्ड डेवलप होगा के लैम्डा वायर इस डायरेक्शन में और एक के लैम्डा वायर इस डायरेक्शन में। तो मैंने इसी रिजल्ट को इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट माना और डिफरेंट डिफरेंट इस सर्कुलर रिंग के पॉइंट पे उसे चेक किया, तो मैंने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस प्लेन पे है, एक इनवर्ड है, एक प्लेन पे है, एक इनवर्ड है, और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स इस प्लेन पे नेट डेवलप हुआ वो सिमेट्री के कारण जीरो हो गया और इनवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम करके नेट फोर्स ये निकला। यानी ये रिंग इस इनफाइनाइट वायर पे कह लीजिए या ये सेमी इनफाइनाइट वायर इस रिंग पे कह लीजिए, इतना फोर्स डेवलप करेंगे। यहां पर जो फोर्स मैंने लिखा है ये सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण रिंग पे लगने वाला फोर्स है। रिंग के द्वारा सेमी इनफाइनाइट वायर पे जो फोर्स लगेगा वो एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट से के की जगह माइनस के लिख के निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक सेमी इनफाइनाइट वायर के फील्ड का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।